जीएन भारत, जन जन तक। साहिबगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अपराधी हुए गिरफ्तार, पिस्टल और गोली की गई बरामद। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 अपराधी को किया गया गिरफ्तार, साथ ही 1 पिस्टल और 6 गोली भी की गई बरामद। अपराधियों के पास से 1 मोबाइल भी बरामद किया गया। जमीन विवाद को लेकर बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे अपराधी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के फूलो लक्ष्मी गांव से किया गिरफ्तार। यह सभी अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। साहिबगंज एसपी अनुरंजन किसकोटा ने प्रेस वार्ता में बताया कि जमीन विवाद को लेकर ये अपराधी एक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। वहीं एक अपराधी बिहार के कटिहार का है। ग्राम फूलो लक्ष्मी में ये सूचना प्राप्त हुई कि जमीन विवाद को लेकर कुछ अपराधी हथियार लेकर दूसरे पक्ष को विरुद्ध कार्रवाई करने वाले हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया और घटनास्थल पर पहुंचने पर संदिग्धों को गिरफ्तार कर छानबीन की गई, तलाशी ली गई, जिसके क्रम में तल्लू, चुन्नू और बजला हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया, तलाशी ली गई, जिसके क्रम में उनके पास से एक पिस्टल देसी मिला है और 6 गोली मिली है और 1 मोबाइल मिला है। इसमें से एक तालू हेम्ब्रम के पहले एक डायन प्रथा का एक रूप में आपराधिक इतिहास रहा है और वर्तमान में ये लोग शायद कटिहार में रह रहे हैं और वहाँ से घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से इस घटना को बचाया जा सका है और एक बेहतरीन काम किया गया। पुलिस इस मामले की और छानबीन कर रही है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।